हेलो, गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स लर्निंग स्टेशन में अब तमाम लोगों का स्वागत है। जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो नवी हैं, तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है। फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके अब तक मैं ये वीडियो पहुंचा रहा हूं अलजेब्रा से रिलेटेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें विद्यार्थी को कन्फ्यूज़न होता है, एग्जामिनिंग कैंडिडेट को कन्फ्यूज़न होता है, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। किसी ने हमें कमेंट डाला है कि इसको ज़रा क्लियर करें, इसलिए मैं पूरा फिल्टर करके आपके पास डाटा लाया हूँ एक जगह। इसको चाहे तो आप कॉपी वगैरह में नोट कर सकते हैं रिकॉर्ड के लिए, कि अगर भूल जाए तो फिर कॉपी से निकालिएगा, नहीं तो वीडियो आपको क्या पता। अलजेब्रा का हमारे पास 10-12 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, किस वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। और हमारी बताई हुई बात अगर आपको पसंद आती है ना, तो कृपा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ और उसमें ऑल ऑप्शन चुनें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को स्किप करके नहीं भागें। अगर वीडियो को स्किप करके भागते हैं ना, तो कोई गाना नहीं है कि एक बोल सुना दूसरा बोल नहीं सुने, तो कोई ज़रूरी नहीं। इससे मैथमेटिक्स का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर होगा। और मैथमेटिक्स कोई खिलौना नहीं है, सारे लोग मैथमेटिक्स से भागते हैं। आप ऐसा बन जाइए कि आपसे मैथमेटिक्स भागे। चलिए, हालांकि इस तरह का वीडियो मैं कई एक डाला हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में पूरा सीरीज बना रखा हूँ। आज उसी वीडियो को मैं क्लियर करता हूँ कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम होता है ना, वो प्रॉब्लम को मैं एक जगह फिल्टर करके डाटा लाया हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अलजेब्रा का कैसे सिंपलीफाई करेंगे, कैसे सिंपलीफाई करेंगे। ये सारे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, आगे भी पूछेगा। एक्स प्लस 1/x बराबर अगर 13 हो तो, कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालिए, यानी वैल्यू निकाले। इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बनाने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के लिए इसको होल स्क्वायर करेंगे, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, भी बहुत लंबा खेल है। वो लंबा खेल के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक देखिए कितना समय लगेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे आप और इसका भी स्क्वायर आप कर देंगे, देखिए कैसे वैल्यू निकलता है। इसका कर देंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2x 1/x, ये बराबर होगा 13 169, इस एक से एक कट जाएगा, ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 169। देखिए आप 169, अब इसके आगे देखिए आप 169 आया, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लीजिए आप, नीचे अगर नज़र नहीं आता है तो ये आपको इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स एक्स कट जाएगा प्लस 2 बराबर 169, यानी कि आपको बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 169 माइनस 2, 9 में से 2 जाएगा 167, ये आपका आंसर होगा। इतनी पूरी दुनिया की कहानी रचने की ज़रूरत नहीं है, कंपटीशन में इतना समय नहीं मिलेगा, इसको बनाने में कम से कम 4-3 मिनट आपको चला जाएगा। मैं ऐसा ट्रिक बताता हूँ, इससे पहले भी ट्रिक बताया हुआ हूँ, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो नहीं कर सकते हैं, कुछ सेकंड में बनेगा। इस सवाल को ऐसे बना सकते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद फिर फंस जाएंगे। अगर एक्स 4 पूछ दिया, एक्स 5 पूछ दिया, एक्स क्यूब पूछ दिया, 1/x³ पूछ दिया, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए नहीं फंसे, इसके लिए फिल्टर करके मैं लाया हूँ सारे फॉर्मूला को, एक जगह आप कॉपी में लिख सकते हैं फॉर एवर के लिए। आपको काम आएगा, आपके आने वाले को काम आएगा, आपको दोस्त यार को काम आएगा। देखिए एक सवाल, एक्स प्लस 1/x बराबर 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना है। इसमें समझना क्या है कि ये साइन देखिए दोनों प्लस है, ये दोनों प्लस है, कभी यहाँ माइनस दे देगा तो यहाँ प्लस रहेगा, कभी यहाँ प्लस दे देगा तो यहाँ माइनस रहेगा, करते रहें एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आप प्लस करते रहें, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको एक टेक्निक अपनाना है, ट्रिक अपनाना है अलजेब्रा का, वो आपको याद रखना है। याद ऐसे रखना है आपको कि ये फॉर्मूला है प्लस प्लस, ये बराबर होता है माइनस, ठीक है, दूसरा माइनस है माइनस, ये बराबर होता है प्लस के, ठीक, और माइनस अब प्लस, ये बराबर होगा प्लस के, प्लस और माइनस, ये बराबर होगा प्लस के, यानी कि 3 केस में प्लस है, 1 केस में माइनस है। प्लस प्लस का क्या मानी हुआ, देखिए यहाँ पहला प्लस है, यहाँ प्लस है, तो उसका माइनस करने का है, हम सब बताते हैं टेक्निक। अगर यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो प्लस करना है, अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस करना है, अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस करना है, यानी 3 स्टेप में प्लस है और 1 स्टेप में माइनस है, यही याद रखना है फॉर्मूला आपको।
ये बहुत कम आपको बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ हमें सही याद करने के लिए, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर कुछ भी हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, यानी इसका जस्ट स्क्वायर डबल है। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है, याद रखे फॉर्मूला, कि अगर x प्लस वन बाई एक्स वेरिएबल एक ही रहेगा, ये वेरिएबल नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ x वहाँ y दिया हुआ है, वेरिएबल एक ही रहेगा। तो क्या करेंगे इसका फॉर्मूला के लिए कि जो वैल्यू दिया हुआ है ना उस वैल्यू को स्क्वायर करेंगे, यानी वैल्यू को हम लोग फॉर्मूला में लिखते हैं v का स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो माइनस इस्तेमाल करेंगे, स्क्वायर है तो दो से घटाएंगे, दो घटाएंगे, ठीक। इसी पर बना लीजिए आप, 13 का स्क्वायर करेंगे आप तो 13 का स्क्वायर माइनस टू, ठीक। अब ये देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और माइनस टू 167, ये 5 से 7 सेकंड में आपका जवाब आ गया, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो, ये फार्मूला का चार्ट अगर आपको याद है तो, ठीक ठीक है। 169 माइनस टू 167, इससे पहले भी मैं निकाला था 167। दूसरी चीज़ देखिए, इस फॉर्मूला को कभी नहीं भूलें आप। दूसरा देखिए, इसी प्लस को अगर उसने माइनस कर दिया, ये देखिए एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं करने का, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, फॉर्मूला वही रहेगा, यानी कि वी का स्क्वायर। अब देखना है यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अपने चार्ट में खोजिए, माइनस है प्लस, ये प्लस होगा, प्लस टू कर देना है स्क्वायर में, ये कितना होगा वी का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर अब प्लस टू, 13 का स्क्वायर 169 अब प्लस टू, इसमें कितना हो जाएगा 171, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गई बात, क्लियर कंसेप्ट, आगे आया स्किप करके हम नहीं भागे आप। सपोज कीजिए कि ये माइनस है और ये भी पोर्शन आपको माइनस आ जाए, ये देखिए आप, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, देखिए यहाँ माइनस माइनस वाला फॉर्मूला लगा हुआ है, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर 13, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर व्हाट, वही फॉर्मूला लगेगा वी स्क्वायर माइनस। अब यहाँ देखिए माइनस है माइनस ही प्लस होगा, माइनस है माइनस प्लस होगा, इसमें प्लस टू कर देना है, वही जवाब होगा, 13 को स्क्वायर कर दीजिए प्लस टू कर दीजिए, 13 169 अब प्लस टू, ये बराबर होगा 171, दोनों माइनस चेंज कर दिया, जवाब उतना ही आया, यही 171 आएगा, ठीक। आगे सवाल देखिए आप, इसको कभी नहीं भूलें आप, इसको कभी नहीं भूलें, ये फॉर्मूला को भी कभी नहीं भूलें आप। एक सवाल और देख ले आप, अब इसी फॉर्मूला पे x प्लस वन बाई एक्स बराबर 4, तो वही फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस, आपको तो पता चुके हैं इसको रखिए, एक ही बात हुआ वैल्यू बदल गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 4, तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर व्हाट, अब देखिए क्यू का आ गया ये, ठीक है, ये क्यू का फॉर्मूला आ गया, ठीक। इसका फॉर्मूला याद रखें आप, साइन तो याद रखना ही है, फॉर्मूला याद रखें, यहाँ दोनों का साइन प्लस है, दोनों का साइन प्लस है, तो प्लस प्लस वाले का होता है माइनस, लेकिन यहाँ इसका पावर जो है डिग्री 1 है, यहाँ इसका पावर 3 है, 2 नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है कि ये जो वैल्यू है, वैल्यू एक्स प्लस वन बाई एक्स का जो वैल्यू है, वैल्यू का क्यूब करते हैं माइनस, ठीक, ये जो वैल्यू है उसको इस एक्स के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये फार्मूला बनाया गया है आपकी आसानी के लिए, नहीं तो क्यूब का निकालना पड़ेगा, तो एक बार स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और फिर एक बार एक्स प्लस वन बाई एक्स निकला हुआ है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो लंबा समय लगेगा। सेकेंड में कैसे बना सकते हैं वो देखिए, एक्स का पावर 1 है, या एक्स का पावर 3 है, ठीक, वो क्यू है, उसके लिए फॉर्मूला ये रहता है, वैल्यू का क्यू यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स का जो वैल्यू है उसका क्यू माइनस जो वैल्यू है, यहाँ प्लस है दोनों साइन प्लस है, तो यहाँ माइनस करना है, ये इसलिए मैं चार्ट बनाया, ये 4 इसका पावर क्यू है, तो क्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक।
इक्वल टू आई ए, इसका पावर कितना है 4, तो 4 का क्यूब कीजिए और ये एज इट इज छूट जाएगा। ठीक, इसके ऊपर आइए, 4 का क्यूब कीजिएगा कितना, 64 अब माइनस 4 3 12 घटा दीजिए, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, यही आपका जवाब होगा। जैसे भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं। आइए आखिर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सब फॉर्मूला फिल्टर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीन देखें, मार्कर खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्स माइनस 1/x ये बराबर है 5, देन तब क्या कहता है, एक्स क्यू माइनस 1/x³ बराबर वाट, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिर्फ साइन बदल देंगे। ये देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस होता है, इसलिए मैं ये चार्ट बनाया था। फार्मूला वही होगा, वी का क्यू ऐसे, ये माइनस है माइनस है तो प्लस होगा, 5 को ये वैल्यू को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसका 3 होगा बराबर 5 का क्यू कर दीजिए प्लस 5 × 3 यानी 5 का क्यू कीजिएगा 125 और प्लस 5 × 3 = 15 125 और 15 140, आपके क्वेश्चन शीट में ऑप्शन में 140 रहेगा, चुन लेना है आपको, दोनों साइन बता दिया। ठीक, आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना क्लियर कंसेप्ट शायद कोई बताएगा, इसी को अगर आप प्लस कर देते हैं, इसी को प्लस कर देते हैं और इसको माइनस रखते हैं, सपोज कीजिए आप इसी को प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, या इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, कोई बात नहीं है, वही फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला बताए हुए हैं आपको V3, बाकी साइन में कन्फ्यूजन होता है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, देखिए प्लस माइनस ये बराबर होगा प्लस के, 5 को फिर वही क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का स्क्वायर ये क्यू निकाल लीजिए, बात एक ही हुआ, 5 × 3 यानी 125 और प्लस 15 ये बराबर होगा 140, कोई फर्क पड़ा आपको प्लस माइनस में, साइन दोनों का हमने बदल दिया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कभी नहीं भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे भी पूछेगा, ऐसा नहीं ये पूछेगा ही नहीं। एक्स प्लस 1/x ये इक्वल टू 3, देन यानी कि तो क्या निकालना है साहब, x4 + 1/x⁴ = what यहाँ देखिए इसका पावर डिग्री 1 है, इसका पावर 4 है। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कई बार में बनेगा भाई, ये कई बार में बनेगा, तो 2 बार में बनेगा, एक बार स्क्वायर करेंगे फिर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे वो बन जाएगा। देखिए यार फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, x + 3 x + 1/x = 3, तो x4, इससे पहले स्क्वायर निकाल लीजिए आप, स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला बताए हुए हैं v² और फिर साइन में होगा झमेला, तो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, उसके लिए माइनस है, ये माइनस करे 2, वही फॉर्मूला है, ये बराबर v का वैल्यू 3² - 2 ये होगा 9 - 2 ये बराबर होगा 7, जवाब हुआ नहीं, भागिए मत, ये x² का वैल्यू निकला, अब x4 का वैल्यू निकला है, तब इसका इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे, ये कितना होगा v² x4 डबल करें ना, x4 + 1/x⁴, अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा v² और फिर वही प्लस है प्लस, ये होगा माइनस माइनस 2, अब भी निकल गया क्या 7, यानी 7² - 2 ये कितना होगा 49, 49 में से 2 घटाएंगे ये कितना होगा 47, ये 47 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, x³ का बता दिया, x² का बता दिया, x⁴ का भी बता दिया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, घुमा घुमा के पूछेगा, 2 की जगह पे 5, 5 की जगह पे 2। एक क्वेश्चन और देखें भागे नहीं आप। एक क्वेश्चन और आप देखें भागे नहीं
ठीक है, एक क्वेश्चन और आप देखें, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू फोर देन पूछता है एक्स टू दी पावर फाइव अब बटे एक्स टू दी पावर फाइव ये बराबर व्हाट होगा। एक्स प्लस वन बाई एक्स ये बराबर है फोर के, एक्स टू दी पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर फाइव क्या होगा। इसका एक फार्मूला याद रख लें आप, फार्मूला इसका याद रख लें, अल्लाह जले जलाल, फार्मूला इसके याद रखें कि एक्स टू दी पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर फाइव इसको लिखा जाता है वन बाई एक्स इंटू एक्स टू दी पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर फोर ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इसको फार्मूला रखा गया है। इतना टेढ़ा है ये, फाइव वाला है, जनरली सवाल थ्री फोर टू का पूछता है, अगर इस तरह का पाँच वाला पूछता है तो ये फार्मूला आपको रखना याद रखना पड़ेगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। उसमें करना क्या है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान दिया हुआ है, एक्स फोर वन बाई एक्स फोर का मान हम निकाल लेंगे, उससे कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे आप देखिए इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है, ये फार्मूला को याद रखें आप, इसको निकालने के लिए पहले तो करेंगे क्या कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर फोर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, वी स्क्वायर ये प्लस है, ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यानी कि माइनस टू, ये वी का मान हो गया चार का स्क्वायर अब माइनस टू, चार चौका सोलह, माइनस टू ये होगा आपको चौदह, ठीक है, ये हो जाएगा चौदह। अब इससे एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का ये वैल्यू है, इसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, तो अब इसे एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक, ये दिखाई नहीं देता है तो ऊपर आ जाइए, एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर का वैल्यू निकालेंगे तो ये चौदह आया हुआ है, इसी का वी स्क्वायर चौदह का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस का झमेला होगा तो ये हो जाएगा माइनस टू, ठीक है, ये चौदह का स्क्वायर वन नाइन सिक्स अब माइनस टू, ये नाइन सिक्स में वन नाइन फोर आ जाएगा, ठीक, वन नाइन फोर आया, यानी कि x प्लस इतना स्क्वायर बराबर चौदह और x प्लस x एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर चौदह और x प्लस वन बाई एक्स का सारे का वैल्यू इनपुट कर दीजिए इसमें, एक का हुआ आपको चौरानवे और एक हुआ शायद एक सौ कितना, इसका वैल्यू निकाले, इसका वैल्यू हो गया चौदह, ठीक। अब इसमें इनपुट कर दीजिए x प्लस वन बाई एक्स में, या इसको इधर से आ जाइए आप, ये फॉर्मूला को कभी नहीं भूलिए, एक्स प्लस वन का मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वन कितना दिया हुआ है चार के, ठीक है, एक्स प्लस वन बराबर है चार दिया हुआ, तो बराबर चार इंटू ये इसका वैल्यू चार हुआ, एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर का वैल्यू हुआ एक सौ चौरानवे, ठीक है, का एक सौ वन नाइन्टी फोर, ठीक, और एक्स फोर, एक्स फोर का एक्स इसका वैल्यू रख दिया, एक्स प्लस वन का एक्स फोर का, अब एक्स स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू कितना होगा चौदह, एक सौ चौरानवे ये दोनों हो गया, अब माइनस चौदह, अब प्लस वन, यहाँ प्लस वन भी है, प्लस वन भी है, प्लस वन कर दीजिए, इसको तोड़िए चार, अब चौदह में से जाएगा तो तेरह, एक सौ चौरानवे में से तेरह घटाएंगे चार में से तीन गया एक, नौ में से एक गया आठ, ये होगा आपको एक सौ इक्यासी, यानी एक सौ इक्यासी होगा, यानी कि चार इंटू वन एटी वन होगा, ठीक, चार इंटू वन एटी वन होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए वन एटी वन से चार को, चार एक है चार, आठ चौका बत्तीस, दो हाथ में रहा तीन, और चार तीन सात, ये हो जाएगा सात सौ चौबीस, नहीं चार सौ इक्यासी, सात सौ चौबीस, पाँच सौ चौबीस, पाँच सौ चौबीस, चार इकाई चार, आठ चौका बत्तीस का दो, हाथ में रहा तीन, और तीन और चार तीन सत्तीस, ये सात सौ चौबीस हुआ, ये होगा सात सौ चौबीस, ठीक है, ये होगा। एक सवाल और देख लिया, वीडियो लंबा हो रहा है, एक सवाल और आप देख लें, टेक्निकल सवाल,
कि कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर ये बराबर दिया हुआ है 3, x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का दिया हुआ है 3, तो पूछता है कि तो x टू दी पावर 72 प्लस x टू दी पावर 66 प्लस x टू दी पावर 54 माइनस, ये माइनस है, माइनस x टू दी पावर 48 और माइनस x टू दी पावर 42 और प्लस x टू दी पावर 36 बराबर क्या होगा। इस सवाल देखिए, अब लास्ट सवाल है ये, x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 3 है, देन x टू दी पावर 72, x टू दी पावर 66 प्लस x टू दी पावर 54, ये 54 है, 54 है, उसके बाद माइनस x पर पावर 48 माइनस x पर पावर 42 और प्लस x पर पावर 36। हमको दावा है कि ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा, और आता ही है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो शरीर से आत्मा छोड़ के भाग निकलेगा। वो देखिए कैसे बनता है ये सवाल। अब ये सवाल बनता कैसे है, किसी भी तरीके से आपको x का वैल्यू निकालना है, ये समझिए आप। जब तक x का वैल्यू नहीं निकलेगा, इनपुट कैसे करेंगे आप। अब यहाँ देखिए कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3 है, तो x प्लस 1 बाई एक्स का क्या मानी होगा, रूट 3, इसका स्क्वायर उस पर चढ़ेगा, रूट 3 हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि एक्स क्यू का मान निकालना है, एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू, ऐसे वैल्यू निकलेगा ये, ठीक है, ये रूट 3 हुआ। तो अब आपको इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का मान निकालना है, वही फार्मूला याद होगा, वी 3 माइनस 3 वी, ठीक है, ये प्लस है तो माइनस होगा। वी 3 कितना है आपको, वी 3 कितना लाए, रूट 3, तो रूट 3 का क्यू माइनस 3 इंटू 3, ठीक। अब आगे आइए, रूट 3 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रूट 27 और माइनस 3 तिया कितना होगा, ये 9 होगा, ठीक है। अब इस 27 को लिख सकते हैं, 9 तिया 27 और माइनस 9, ये 9 को बाहर कर लीजिएगा, 3√3 माइनस 9, ठीक है। आइए, वो मिस्टेक हो गया था, ये देखिए आप, वी 3 का मान क्या निकलेगा, रूट 3 का क्यू माइनस 3, अब वी का वैल्यू दिया हुआ रूट 3, ये इसका मतलब हुआ, इसका क्यू करेंगे तो ये 27 माइनस 3√3, 27 को लिख सकते हैं, 9 या 27 माइनस 3√3, इस 9 को बाहर कीजिएगा तो 3√3 माइनस 3√3, ठीक है, माइनस, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये ज़ीरो के बराबर होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये ज़ीरो के बराबर होगा, ऐसे देखिए आप, ठीक, ये बराबर हुआ ज़ीरो के। अब आगे आप इसका वैल्यू निकालिए, आप एक्स क्यू प्लस इसका वैल्यू निकालिए, ये थोड़ा लंबा है सवाल में। अब इसका वैल्यू इनपुट करेंगे, बाप रे बहुत लंबा है, तब क्या हो जाएगा, ये एक्स सिक्स प्लस 1 बटे एक्स क्यू, ये बराबर हो जाएगा ज़ीरो, यानी कि एक्स सिक्स प्लस 1 बराबर 0 गुने एक्स 3, यानी कि एक्स क्यू प्लस 1 ये बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एस सिक्स बराबर माइनस 1 आएगा, एस सिक्स बराबर माइनस 1 आएगा। अब इसमें पूरे में माइनस 1 इनपुट कर दीजिए, एस सिक्स, इसका फैक्टर तोड़ लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं आप, x पर पावर 72 है, x पर पावर 6, 12 छक 72, इसको लिख सकते हैं 12, x पर पावर 6, इसको लिख सकते हैं 11, 11 छक 46 प्लस x पर पावर 6, और इसको कितना लिख सकते हैं, 6 नमा 54 माइनस x पर पावर 6, और इसको कितना 8 छक्के 48, 8 माइनस x पर पावर 6, 7 छक्के 42 और प्लस x पर पावर 6 अगुने पावर 6, 6 6 36। अब देख लीजिए, एक्स पर पावर 6 का वैल्यू निकला है, एक्स पर पावर 6 का वैल्यू निकला है माइनस 1, इसको माइनस 1 कर दीजिए 12, और प्लस माइनस 1 11, और प्लस माइनस 1 9, माइनस इसको माइनस 1 पावर 8, और माइनस एस 6 का माइनस 1 पावर 7, और प्लस माइनस 1 पावर 6, इतना वैल्यू इनपुट कर दिया, ये थोड़ा लंबा हो गया,
लंबा होगा ही ये। अब देखिए इवन नंबर है तो इवन नंबर से इवन नंबर को करेंगे प्लस वन, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये ओड है तो ये आपको माइनस वन हो जाएगा। 11 वाला माइनस वन ये फिर ओड है, ये आपको माइनस वन हो जाएगा। ये इवन है तो ये आपको प्लस वन हो जाएगा, ये आपको ओड है तो ये माइनस वन आ जाएगा, ये इवन है तो ये प्लस वन आ जाएगा। अब आप देख लें आप कि इस दो से ई दो कट जाएगा, यानी एक और एक इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा बराबर एक। इसका जवाब एक बाई एक दो आना चाहिए, कहीं से एक छूट रहा है। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक और चाहिए। बारह का माइनस ग्यारह का माइनस नौ, ओहो छूट गया ना, एक एक का माइनस ऐसे देखिए, बारह का एक ग्यारह का एक नौ का एक, आप फिर माइनस है ना, ये आठ है ये प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस होगा, ठीक था, मिस्टेक हो गया था। ये से कट जाएगा, ये माइनस वाला ये दोनों से दोनों कट जाएगा, यानी ये वन और ये वन इसमें बचेगा तो वन प्लस वन ये बराबर होगा टू के, यही इसका आंसर हुआ। बहुत लंबा है ये। चलिए हमारा वीडियो देखें, 25-26 मिनट का वीडियो हो गया, देखिए अलजेब्रा का ये ट्रिक है। अगर पसंद आता है तब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ये फिल्टर करके लाया हूँ, इसके बाद जो बचता है फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल के बताऊँगा, अभी कुछ इसमें सवाल बचा हुआ है। चलिए थैंक यू वेरी मच, आप हमारे वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसके लिए सॉरी, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।